नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन किसान पुत्र। तो आज अपन बात करेंगे भाई, तो न्यू होल इंट्रोडक्शन ट्रैक्टर जो 50 HP के अंदर है, तो इस ट्रैक्टर के बारे में जो भी जानकारी होगी वो हम आगे से लेके पीछे तक और कितने बदलाव के साथ है ट्रैक्टर, तो ये दिखाएंगे और वीडियो में प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। तो स्वागत है भैया आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जो भी इस ट्रैक्टर के अंदर बदलाव है हमारे किसान भाइयों को बताएं, आगे से लेके पीछे तक जो भी ट्रैक्टर के अंदर बदलाव हो, कितने HP में ट्रैक्टर, ये सब बताएं। स्पेशल एडिशन और ये छोटा सुपर है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बोनट की। ये इसका इनलाइन पंप जी, जो अच्छा, ये भी बदलाव है यहाँ पर। इसमें जो अपने जो रोटरी पंप है उसके अलावा इसमें सादा पंप है। अच्छा, पहले रोटरी आता था, अब बॉस इनलाइन पंप मिलेगा इसमें, जो तीन सिलेंडर के अंदर है। और रोटरी पंप में टर्बो आता है जी, और इसमें सादा है। अच्छा, ये सादा वाला मिलेगा। ये 50 HP में आता है। अच्छा, ये 50 HP में मिलेगा। और ये इनके बारे में, ये डीजल फिल्टर है। अच्छा, यहाँ पर इनमें कोयल वाले फिल्टर बोलते हैं इनको, कोयल फिल्टर बोलते हैं। और जो अपने नॉर्मल फिल्टर आते हैं वो सादा फिल्टर आते हैं। डीजल टैंकी और अपेक्षा में बहुत अच्छा टैंक है, इसमें डीजल भी गर्म नहीं होता है। फाइबर ब्रांड है और वो में लोयोगा आता है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो आप, जो फाइबर के अंदर इसका डीजल टैंक मिलने वाला है आपको। और ये क्या है, इंजन की भाप से गर्म भी नहीं होगा डीजल। अच्छा, इसमें डीजल ठंडा रहेगा और के में लोहे में क्या गर्म हो जाता है जी। और ये अपना टूल है, बेहतरीन टूल। यहाँ पर इसका टूल ये भी फाइबर का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप आइए, यहाँ पे वाटर सेपरेटर लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये डीजल में जो पानी आया था तो पानी रोकने का काम करता है ये। अच्छा, इससे पानी अलग कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे टी लग रही है इसके, ये आगे आओ तो आप, ये पावर स्टीयरिंग का पंप है, आगे लिफ्ट पंप है। अच्छा, जो हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग का। और ये लिफ्ट फिल्टर है और पावर स्टीयरिंग का फिल्टर है। बात करते हैं पावर स्टीयरिंग सिलेंडर, ये इसका सिंगल सिलेंडर है। तो दोस्तों देख सकते हो सिंगल सिलेंडर में, तो सिंगल पावर स्टीयरिंग में। फ्रंट एक्सल की बात करते हैं तो ये नॉन एडजस्टेबल है। और इसमें देखिए आप, टायर 750/16 के है, आगे 50 KV का वेट है इसमें। अच्छा, आगे का जो वेट 50 किलो में मिलने वाला है किसान भाइयों को। जो इसका ये शो आता है, ये फाइबर में है जी। और ये हेडलाइट है इसकी जी, ये इसका मोनोग्राम है न्यूलैंड का, इसका जो लोगो है ट्रैक्टर का। और ये एयर क्लीनर बेस है ये। अच्छा, तो इसके अंदर ऑयल वाला एयर क्लीनर, इनमें दो तरह के आते हैं, ऑयल वाले भी आते हैं, एक फिल्टर सूखे वाले भी आते हैं। जो 50 HP से ऊपर आएंगे उसमें सूखे आएंगे। अच्छा, जो 50 HP तक आएंगे उसमें ऑयल वाला आएंगे। इधर आइए, डीजल टैंक मिलेगा इसके, इसका 60 लीटर का है। अच्छा, 60 लीटर। इसमें ये बदलाव हो रहा है, जो ये टायर है इसमें 750/16 के अपन HP में मिलता था पहले, अब अपन को ये 50 HP 16 नॉट 28 के। तो भाई देख सकते हो आपको, इस ट्रैक्टर के अंदर जो पिछले वाले टायर है वो 16 नॉट 28 में है, तो ये भी एक बड़ा बदलाव है ट्रैक्टर के अंदर। तो 50 HP के अंदर 16 के टायर मिलेंगे आपको। आइए देखिए आप, ये स्टैंड है इसका ये, और ये क्लच है इसमें, क्लच है, डबल क्लच है इसमें। तो ये देखिए आप, ऊपर आइए, इसका बेहतरीन सीट है और ये इसका स्टेयरिंग है, एडजस्टेबल है सीट, इसकी आगे पीछे ले सकते हो आप, एडजस्टेबल लीवर है इसका। और गियर के बारे में बताएं सर, आप करते हैं तो 12+3 है, लो मीडियम हाई। तो ये आप देखिए लीवर, ये लो मीडियम हाई है, इसमें जैसे हम चलाते हैं थ्रेसर में चलाएंगे इसको, तो जैसे अपना लो में दबने लग जाता है तो हम मीडियम लगा सकते हैं, उसके लिए बेहतरीन गियर है ये। और सर थोड़ा PTU गियर के बारे में बताएं। ये PTU है, ये रिवर्स PTU, जैसे अपन आगे लेंगे तो ये मेन है, पीछे लेंगे तो रिवर्स PTU। अच्छा, पीछे ये क्लच का, तो ये रिवर्स। अच्छा, इसमें अलग से है क्लच का, और के अपेक्षा में बेहतरीन क्लच है जी सर। ट्रैक्टरों में तो दोनों में क्लच पेडल में आता है। अब थोड़ा इसका डैशबोर्ड के बारे में देखिए आप, ये बेहतरीन डिस्प्ले है इसकी, ये अल्टरनेटर मीटर है, डीजल मीटर, और इधर से गर्म हॉरर मीटर है, और ये किलोमीटर अपना घंटे का। और इधर से ये देखिए एक्सीलेटर है बेहतरीन, यहाँ पर हाथ का एक्सीलेटर, ये एक्सीलेटर है अपना जी। तो ये इंडिकेटर है अपना, ये लेफ्ट राइट जी। अब इधर देखिए आप, बेहतरीन ब्रेक है, ऑयल ब्रेक है, और ये लीवर देखिए, हैंड ब्रेक अपना, ये हैंड ब्रेक, यहाँ पर हैंड ब्रेक मिल जाता है। ये एक्सीलेटर है पाँव वाला,
अच्छा यहाँ पर जो पैर का एक्सीलेटर है, तो आप इधर देखिए लिफ्ट है इसकी हेवी ड्यूटी। लिफ्ट का लीवर के बारे में बताओ। ये लिफ्ट लीवर है, इसके ड्राफ्ट कंट्रोल जी सर, और सेंसिंग वाला। इधर ही बात करते हैं लिफ्ट की, बेहतरीन लिफ्ट है इसकी, 2500 केजी की लिफ्ट है। और इसमें आप ये देखिए एक सिलेंडर है इसमें अलग से लगा हुआ है इसमें, और ये सिर्फ इसी जोन, ये अपना क्या बोलते हैं न्यू होलैंड में ही है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी न्यू होलैंड के अंदर ही है जी। और इससे जैसे, और इसके अंदर जो लिफ्ट कैपेसिटी है ये 2500 केजी है। अच्छा, 25 क्विंटल की। तो भाई आपको इसके जो इस ट्रैक्टर के अंदर 25 क्विंटल की लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाती है। और हम इस बात करते हैं सेंसिंग के बारे में, सेंसिंग के बाद तो इसमें 24 तरह की सेंसिंग है इसमें। अच्छा, आपके यहाँ पे अगर हार्ड जमीन है अच्छा, तो उस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर मीडियम है तो उस हिसाब से बात कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हैं। और हुक की बात करते हो, हेवी ड्यूटी हुक है इसमें, आप देखिए बेहतरीन हुक। और इसमें आप एडजस्टेबल भी कर सकते हो, जैसे आपको रीपर चलाना हो या प्रेशर चलाना हो तो उसके हिसाब से आप एडजस्टेबल कर सकते हो पिनों से, अपने काम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम आप आइए, तो ये इधर डबल डिस्ट्रीब्यूटर है आप, तो आप इसमें क्या बोलते हैं कंप्यूटर जैनजी लगा सकते हो आप, मोर प्लाव चला सकते हो आप। अच्छा, तो इससे कोई सा भी जो इम्प्लीमेंट बड़े आसानी से चला सकते हैं। और जैसे आपको खाली इसके बारे में बता दीजिए, जैसे आप ये है अपना मेट्रो मीटर है, सो हाइट मीटर बोलते हैं इसको। जैसे अपन कल्टीवेटर चला रहे हैं तो अपन को हाइट लिमिट रखनी है, उसका सेटिंग है ये। अच्छा, कल्टीवेटर सेट करना है तो अपन को जितनी गहराई लेनी है ना, अपन को जमीन इसको सेट करके ले सकते हैं। इधर आ जाइए, ठीक है जी, ठीक है जी। भाई इस ट्रैक्टर की ये है भाई खासियत, और जो ट्रैक्टर की जो प्राइस के बारे में बात करते हैं अपन, तो किसान भाइयों को कितनी प्राइस में मिलने वाला है ट्रैक्टर, तो भाई इस ट्रैक्टर की जो प्राइस है वो जान लेते हैं। अभी जो ये अप्रैल चल रहा है 2022 जी, जो रेट है अभी न्यू होलैंड की जी, तो ये 7,90,000 का ये ऑन रोड अपने। अच्छा, 7,90,000 में मिलने वाला है किसान भाइयों को ये ट्रैक्टर। और सर, जो किसान भाई अगर वीडियो देखकर भी आता है अपनी, तो यहाँ का जो एड्रेस है वो भी बताएं। तो ये अपने राजस्थान में कोटा डिस्ट्रिक्ट है जी, न्यू बामाशा मंडी जी, अच्छा अनंतपुरा, अनंतपुरा श्री राम ट्रैक्टर। अच्छा, श्री राम अपने जो यहाँ का एड्रेस है। तो थैंक यू सर। तो जैसा कि भाई आपने देखा, अपन ने ट्रैक्टर की जो प्राइस भी बताई है आपको, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और जो भी अपना अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखे वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।